नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों फ्लैश के मैनुअल पॉपअप मोड्स के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्लैश के ऑटो पॉपअप मोड्स के बारे में कि कौन कौन से मोड में जो है फ्लैश ऑटोमेटिकली ऑन होता है, उसमें क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं, वो सब इस वीडियो में पूरी तरीके से मैंने डिस्क्राइब किए थे। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो उन लोगों को लिंक का एक ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, ऑल प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। अगर आपको निकॉन DSLR कैमरा से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, #socialtech में आप सर्च कीजिए, मेरा चैनल आपको मिलेगा। उसको उसमें आपको DSLR से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे, स्पेशली निकॉन DSLR 5300 से रिलेटेड। तो उसमें चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो एक वीडियो मैंने बनाया था कि मैनुअली फ्लैश कैसे ऑन करना है, तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर कार्ड में भी आपको उसका लिंक दिखाई पड़ जाएगा, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये आई बटन आपको दिख रहा है, ये आई बटन हमको प्रेस करना है। कैमरा मेरा इस समय ऑन है, आप लोगों को इसका डिस्प्ले दिख रहा होगा, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिख रहा है। यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है ये फ्लैश है, फ्लैश मोड लिखा हुआ है, ये इस समय फ्लैश है। तो दोस्तों पहले हमको जो मैनुअल फ्लैश हमारा जो है जिसमें फ्लैश ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता है, उसमें फ्लैश हमको मैनुअली ऑन करना पड़ता है। तो पहला मोड आता है पी मोड, प्रोग्राम मोड को। प्रोग्राम मोड में हमको फ्लैश के ऑप्शन मिलते हैं मैनुअली में, तो मैनुअली फ्लैश हम लोग यहाँ पे आगे एक बटन दिया रहता है, इसको ऑन करेंगे, ये फ्लैश मेरा चालू हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, जैसे फ्लैश मेरा ये चालू हो गया है, इसको मैं बंद कर दूंगा और फिर इस बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये फ्लैश चालू हो जाएगा। दोस्तों फ्लैश को कभी भी हाथ से ओपन करने की कोशिश ना करें, इससे आपका फ्लैश ख़राब हो सकता है। जब भी आपको ऑन करना है फ्लैश तो ये आगे का जो बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करके आप ऑन कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पी मोड में हमको फ्लैश के क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो इस फ्लैश के ऑप्शन को मैं यहाँ पे ये ओके का बटन है, इससे मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला दोस्तों ऑप्शन आ रहा है फिल फ्लैश का। जब हम लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और मैनुअली फ्लैश का बटन चालू करके फ्लैश ऑन करेंगे तो जैसे ही हम फोटो लेंगे तो हमारे हर फोटो में फ्लैश फायर होगा, फिर चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे ब्लैक बैकग्राउंड हो, चाहे वाइट बैकग्राउंड हो, लाइट कम हो ज़्यादा हो, हमारे हर फोटो में फ्लैश फायर होगा क्योंकि जब हम फ्लैश का ऑप्शन चालू करेंगे। दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता हमारा फिल फ्लैश विद रेड आई रिडक्शन। ये ऑप्शन दोस्तों हम लोग तब यूज़ करते हैं, हम लोग लो लाइट या नाइट फोटोग्राफी करते हैं, उस समय क्या है फोटो में हमारा रेड आई का इफेक्ट आता है, तो रेड आई के इफेक्ट को कम करने के लिए जो है हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसमें फ्लैश हर शॉट में फायर होगा लेकिन उसके साथ में जो कैमरे में रेड आई लैंप दिया रहता है वो भी चालू रहता है, जिससे रेड आई रिडक्शन जो है वो रेड आई का इफेक्ट नहीं मिलता है। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि अगर हम रेड आई रिडक्शन चालू नहीं करेंगे तो ये रेड, जैसे आपको दिख रहा है लाल रंग, ये आ जाता है फोटो में, और जब हम ये ऑप्शन ओके चालू करके रखते हैं तब हमको जो है यहाँ पे ये ऑप्शन, इसमें ये फोटो इस तरीके से मिलता है, इसमें रेड आई रिडक्शन हो जाता है। दूसरा अगला ऑप्शन इसमें हमको मिलता है रेड आई रिडक्शन प्लस स्लो सिंक का। ये ऑप्शन दोस्तों हम लोग उस समय यूज़ करते हैं, हम लोग नाइट फोटोग्राफी करते हैं, नाइट पोर्ट्रेट लेते हैं, अंडर लो लाइट में फोटोग्राफी करते हैं, इस ऑप्शन को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें स्लो शटर स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, जिससे क्या है बैकग्राउंड का लाइटिंग हमारा अच्छी तरीके से कैप्चर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पीछे का बैकग्राउंड जो डार्क है लेकिन फिर भी वहाँ का जो लाइटिंग है वो अच्छी तरीके से हमारा दिख पा रहा है हम लोगों को, तो ये हम लोग ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है स्लो सिंक का ऑप्शन। इसमें हमारा फ्लैश फायर हर शॉट के साथ होगा, जैसे फिल फ्लैश हम लोग पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया फिल फ्लैश का ऑप्शन आता है ये वाला, इस ऑप्शन में हमारा फ्लैश हर शॉट में फायर होगा, तो इस ऑप्शन में भी फ्लैश हम जब भी फोटोग्राफ लेंगे हमारा फ्लैश फायर होगा, लेकिन इसमें हमारा शटर स्पीड स्लो हो जाएगा जब हमको ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों क्लियर कैप्चर करने हैं, अच्छी तरीके से दोनों चीज़ें चाहिए, तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन में दोस्तों रेड आई रिडक्शन लैंप आपका चालू नहीं होता है। अगला ऑप्शन दोस्तों अवेलेबल है फ्लैश विद स्लो रियर कर्टन सिंक के साथ। तो इस ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों कि हमारी शटर स्पीड इसमें भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है जब हम लोग बैकग्राउंड की लाइटिंग को कैप्चर करते हैं अंडर लो लाइट या नाइट में फोटोग्राफी करते हैं, जब हम सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों को क्लियर चाहते हैं तब हम लोग को ये ऑप्शन भी मिल जाता है। इस ऑप्शन में भी शटर स्पीड स्लो हो जाता है, रेड आई रिडक्शन लैंप आपका चालू नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी एक आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। करते हैं अपर्चर मोड। अपर्चर मोड भी एक ऐसा मोड है जिसमें हमको फ्लैश मैनुअली ऑन करना पड़ता है, फ्लैश हम लोग मैनुअली ऑन करते हैं उसके बाद हमको इसके सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हम इसको
मोड डायल को रोटेट कर देते हैं ए मोड की तरफ को। ये आ गया हमारा ए मोड। यहाँ पे हम आई बटन को प्रेस करेंगे। आई बटन को प्रेस करते हैं हमारा यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे। पहला ऑप्शन दोस्तों आपको जैसा बताया फिल फ्लैश का ऑप्शन है, हर शॉट में आपका फ्लैश फायर होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लैश हर शॉट में फायर होगा लेकिन रेड रिडक्शन लैंप चालू होगा, आपको रेड आई का इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो इफेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था पी मोड में, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, रेड आई रिडक्शन मिलेगा, फ्लैश मिलेगा, लेकिन यहाँ पर शटर स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी जब आपको बैकग्राउंड की लाइटिंग क्लियर चाहिए, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है स्लो रियर का ऑप्शन, ये भी फुल फ्लैश आता है, हर शॉट में आपका फ्लैश फायर होगा लेकिन आपका शटर स्पीड स्लो हो जाएगा, जब आपको ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों क्लियर चाहिए तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक अगला ऑप्शन आया था जो स्लो सिंक विद रियर कर्टन फ्लैश के साथ था, इसमें भी आपका रेड आई रिडक्शन चालू नहीं रहेगा, इसमें भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं, अंडर लो लाइट या नाइट में फोटोग्राफी करते हैं तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको सब्जेक्ट और बैकग्राउंड जहाँ आपको क्लियर चाहिए इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जैसे एटमॉस्फेयर में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगला मोड हमारा आ जाता है एस मोड के बारे में। तो यहाँ से रोटेटिंग डायल को मैं रोटेट कर देता हूँ एस मोड की तरफ को। ये हमारा दोस्तों यहाँ पे एस मोड आ गया। एस मोड को जैसे ही हम यहाँ पे फ्लैश मोड हमारा हाईलाइट हो गया, इसको हम लोग चालू करेंगे। इसमें हमको दोस्तों तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है फिल फ्लैश का, जैसा कि आपको बताया हर फ्लैश में हर फोटो के साथ आपका फ्लैश फायर होगा, जैसे आप फोटोग्राफी करेंगे फ्लैश फायर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ्लैश विद रेड आई रिडक्शन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या इसका यूज होता है, कैसे यूज होता है। दूसरा है रियर फ्लैश रियर कर्टन सिंक का, इसका तो दोस्तों जब हम लोग रियर कर्टन सिंक का यूज़ करते हैं तो इस ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन को जब हम लोग लाइट रेज का फोटोग्राफी करते हैं उस समय ऑप्शन को हम लोग बेटर तरीके से यूज करते हैं। ये ऑप्शन जो है ऑब्जेक्ट जब मूव करता है लाइट से, जैसे कार मूव कर रही है तो कार के पीछे आपको एक लाइट की लाइन सी बना देता है, लाइन बना देता है, जिसको हम लोग लाइट ट्रेल्स कहते हैं। इस ऑप्शन को जो हम लोग अंडर लो लाइट या नाइट फोटोग्राफी में करते हैं। और दोस्तों ये ऑप्शन में जो है फ्लैश जो है जैसे ही शटर बंद होने वाला होता है तभी ये फ्लैश सेम टाइम फायर होता है, लाइट शटर जस्ट बंद होने से जस्ट पहले, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है एस मोड में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एम मोड की। मैंने मोड एम मोड पर रोटेटिंग डायल को मोड कर दिया है। अब यहाँ पे आई बटन प्रेस करता हूँ। आई बटन प्रेस करने के साथ हमारा फ्लैश का ऑप्शन चालू हो जाता है। यहाँ पे भी दोस्तों सेम ऑप्शन हमको मिलते हैं जैसा कि एस मोड में हमको ऑप्शन मिले थे, वही सेम ऑप्शन तीनों, फिल फ्लैश विद रेड आई रिडक्शन और फ्लैश रियर कर्टन सिंक के साथ, ये तीन ऑप्शन हमको मिलते हैं जो कि एस मोड में और एम मोड में दोनों में अवेलेबल थे। दोस्तों अगले हम लोग आ जाते हैं फूड मोड की तरफ। एक फूड मोड होता है कैमरे में, उसमें भी हमको फ्लैश के ऑप्शन मिलते हैं जो कि मैनुअली फ्लैश हमको ऑन करके मिलते हैं। तो मोड में हमको जब ऑप्शन मिलते हैं तो फूड मोड के लिए हमको इस मोड डायल को रोटेट करना पड़ता है सीन की तरफ। यहाँ पे सीन पे आपको सेलेक्ट करना है। सीन पे जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको फूड मोड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इस तरीके से। ये ऑप्शन फूड मोड का होता है। ये नाइट पोर्ट्रेट आता है, नाइट लैंडस्केप, इस तरीके से काफ़ी ऑप्शन आते हैं। इसमें से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हमको ऑटो पॉपअप मोड में भी फ्लैश ऑन होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं फूड मोड को। ये हमने फूड मोड सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे मैं आई बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है जो कि फिल फ्लैश है। तो जब हम फूड फोटोग्राफी करते हैं तब इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। मैनुअली फ्लैश हमको अगर चाहिए, फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं, लो लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं, नाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं फूड का, तो उस समय हम उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैनुअली फ्लैश ऑन करेंगे और यही ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा, हर फोटो के साथ आपका फ्लैश फायर होगा, रेड आई रिडक्शन लैंप चालू नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मैनुअली फ्लैश आपको कैसे ऑन करना है, मैनुअली फ्लैश आपको कौन कौन से मोड में यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन आपको मैनुअल फ्लैश के मिल जाते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगला वीडियो लेके मैं आपके सामने बहुत जल्दी ही हाजिर होऊंगा और अगला वीडियो मेरा रहेगा एक्टिव डीलाइटिंग के बारे में, जिसमें मैं आपको पूरा फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।